लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर के द्वितीय मंजिल पर इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। यहाँ पर 4 अलग अलग कंट्रोल रूम एक साथ स्थापित किए गए हैं। मीडिया सेल यहाँ पर हैं, सी विजिल ऐप है, इसके अलावा जो मुख्य कंट्रोल रूम है और चारों ही कंट्रोल रूम के कर्मचारी भी यहाँ पर तैनात हैं। उनसे भी जानेंगे किस तरह की कंट्रोल रूम में की प्रक्रियाएँ हैं, किस तरह से आम जन को कंट्रोल रूम के माध्यम से जो भी शिकायतें आती हैं उसका कैसे तत्पर निस्तारण उसका हो रहा है। ये जो राजसमंद लोकसभा का जो इलेक्शन है उसका मुख्य कंट्रोल रूम है, यहाँ पर कॉल भी आ रही हैं, फ़ोन कॉल भी आ रही हैं और अन्य शिकायतें भी वहाँ पर पहुँच रही होंगी, उनके बारे में भी जानते हैं कि कंट्रोल रूम किस तरह से संचालित होता है, कंट्रोल रूम की क्या प्रक्रिया है, उनसे भी पूरी क्या नाम है मुकेश वैष्णव सर, थोड़ा सा कंट्रोल रूम के बारे में बताएं कि कैसे इसका संचालन हो रहा है, कितने कर्मचारी लगे हुए हैं, क्या क्या चीज़ें। सर कंट्रोल रूम में मुख्यतः एक तो ये फ़ोन कॉलिंग जिसमें हम डेली FS रिपोर्ट लेते हैं, साथ ही MCC प्रकोष्ठ लगा हुआ है और सी विजिल प्रकोष्ठ लगा हुआ है। क्या नंबर है पहले तो आपके कंट्रोल रूम के नंबर? 222585 नंबर है और एक 222520, इससे STD कोड 02952 लगाते हैं। साथ ही यहाँ पर 1950 टोल फ्री नंबर है जहाँ पर वोटर हेल्पलाइन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो उसका निस्तारण किया जाता है और प्रतिदिन FS रिपोर्ट ली जाती है। साथ ही विभिन्न कार्मिकों द्वारा या किसी के द्वारा अगर कोई सूचना मांगी जाती है अधिकारियों द्वारा तो उन तक उससे उच्च अधिकारियों से सूचना प्राप्त कर उनको दी जाती है। ये मतलब लोकसभा का एक पूरा लोकसभा स्तरीय कंट्रोल रूम है ना? यस, जिला स्तरीय लोकसभा, इससे ब्लॉक पर भी और कंट्रोल रूम बने हुए हैं प्रत्येक ब्लॉक पर। जैसे मेरे कहने का मतलब डेगाना, मेड़ता, जेतारण अलग दूसरी जगह जो हैं वो अलग जिले में आते हैं तो वो भी आपके कंट्रोल रूम के? हाँ, वो भी यही कंट्रोल रूम के अधीन है। ये जिला स्तरीय कंट्रोल रूम है बट प्रत्येक लोकसभा स्तरीय और प्रत्येक ब्लॉक पर भी और कंट्रोल रूम बनाया गया है। मतलब SDM स्तर पर? नहीं, जिला स्तरीय SDM स्तर पर सर नीचे एक और कंट्रोल रूम चालू है। अच्छा, हर एक SDM स्तर पर वापस अलग हैं और जिला स्तर पर, तो इसमें मुख्य रूप से ये जो आपके किस तरह के कॉल आ रहे हैं इसमें लोग क्या क्या क्वेरी करते हैं? सर वैसे तो इसमें लोगों से रिलेटेड तो कम ही है, जैसे 1950 वोटर हेल्पलाइन है, सर मनोज जी देखते हैं और वो मतलब उनके वोटर ID कार्ड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो बताते हैं। हमारा तो प्रतिदिन का कार्य ये रहता है, जैसे हम जो FS टीम है जो पूरे इस जिले में लगी हुई है। अच्छा, FST SST, तो उनसे प्रतिदिन हम उनसे उनकी लोकेशन लेते हैं, उनकी कोई समस्या होती है तो उसके बारे में पूछते हैं। उसके अतिरिक्त जैसे कोई भी अगर अधिकारी जैसे हमारे से पूछते हैं कि उनसे रिलेटेड कोई सूचना चाही गई है तो उसके लिए अलग अलग प्रकोष्ठ बनाए गए जिनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उनसे, या फिर हम उच्च अधिकारियों से पूछते हैं और उनको वापस उनसे बताया जाता है। ये जैसे ही आपके यहाँ सूचना संकलन होता है उसके बाद आगे क्या प्रोसेस है, कौन मॉनिटर करता है आपके कामकाज का? हर एक जैसे 24 घंटे चलता है, आपकी ड्यूटी 8 घंटे होगी, इसी तरह 24 घंटे हमारे प्रभारी है सर, उमेश जी राय का सर है, ADPC सर है, घनश्याम जी गोड है, वो हमारे से रिपोर्ट लेते हैं, वो रजिस्टर में आते हैं, देखते हैं और सिग्नेचर करते हैं। अब जैसे मोटे तौर पर आपके एक तो ये हो गया कि जो सूचना जो संकलन का काम इस यहाँ पे हुए, इसके अलावा पब्लिक की कोई क्वेरी है किसी भी तरह की वो भी इस कंट्रोल रूम पे बता सकते हैं? हाँ, पब्लिक की क्वेरी अगर हम पूछते हैं, कोई कॉल करता है, वैसे उसके लिए एक नीचे और कंट्रोल रूम बना हुआ है SDO कंट्रोल रूम, वहाँ मोस्ट ऑफ आती है पब्लिक की क्वेरी। और यहाँ पर भी अगर कोई आती है तो हम उनसे पूछते हैं और उच्च अधिकारियों से जानकारी, जैसे प्रत्याशियों से रिलेटेड है, किसी प्रत्याशी को एक उनको कोई चीज परमिशन चाहिए थी तो उसके लिए जो उससे प्रकोष्ठ से रिलेटेड जो है उनसे हमने पूछा और फिर वापस उनको सूचना दी गई या उनके नंबर अवेलेबल करवाए गए। ये बिल्कुल एक आप जो अभी बता रहे थे कि आप जो देखते हैं उस क्या चीज़ें हैं आप? ये सर वोटर हेल्पलाइन नंबर है, मतलब किसी को भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना हो तो इस पर कॉल करते हैं 1950 पे, तो उनको बताया जाता है कि आप अपने फ़ोन पे प्ले स्टोर पे वोटर हेल्पलाइन ऐप है, वो ऐप डाउनलोड करके उसमें फॉर्म नंबर 6 फिल करके आप अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हो। ये जानकारी सर लोगों तक पहुँचाते, किसी को मतलब मालूम नहीं है वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़ता है तो 1950 नंबर है हेल्पलाइन नंबर अपने राजसमंद जिले का, तो 1950 कॉल करता है तो उसको जानकारी मिल जाती है भाई इस हिसाब से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जा सकता है। और किसी को फ़ोटो अपडेट करना हो तो उसको भी मतलब ये इसी पे कॉल करता है तो उसको बताया जाता है आपने मोबाइल नंबर अपडेट करके आप फ़ोटो भी अपडेट कर सकते हो, इस तरह से सर ये कॉल आते हैं। और अभी फ़िलहाल कॉल आ रहे तो उनको ये बताया जा रहा है कि अभी आचार संहिता लगी हुई है तो जयपुर इलेक्शन विभाग से ही साइट बंद है, तो अभी न तो वोटर लिस्ट में नाम जुड़ रहे ना हट रहे, अभी कोई प्रोसेस नहीं है, 4 जून के बाद नतीजे आ जाएंगे उसके बाद वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेंगे। ये सीख मतलब मुख्य रूप से
यहाँ पर हर तरह की जो सूचनाएं हैं उसका संकलन हो रहा है। उसके अलावा लोगों की हर क्वेरी का समाधान है। कोई भी तरह की शिकायत भी करता है अगर लोग किसी प्रत्याशी संबंधित है, प्रचार से संबंधित है, वो भी यहाँ कंट्रोल में दर्ज है। सी विजिल ऐप है, मतलब वो सर बैठे हुए हैं तो वो कोई भी उससे रिलेटेड अगर प्रत्याशी या जो भी आप कह रहे हो वो शिकायत आती है उनकी एफ एस टीम में। नहीं, मैनुअल भी कोई शिकायत करता हो? हाँ, मैनुअल भी करता है तो उसको फिर आप संबंधित अधिकारियों को बताई जाती है। बिल्कुल, ये देखा आपने मुख्य रूप से जो मुख्य कंट्रोल रूम है यहाँ पर किस तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान मुख्य रूप से हो रहा है, चाहे उपखंड स्तर की बात हो, तहसील स्तर की बात हो, या मुख्य रूप से सूचनाओं के साथ ही जो भी लोगों की कोई क्वेरी है, कोई शिकायत है, उसका भी समाधान किया जाता है। अभी हमारे साथ में जो है सी विजिल ऐप, उसका एक अलग से कंट्रोल रूम है, उसकी भी मॉनिटरिंग अलग से होती है, उसमें किस तरह की क्वेरी आती है उनसे जानते हैं। क्या नाम है? जी अरविंद भाटी नाम है मेरा। यहाँ किस तरह की शिकायतें आती हैं, क्या है इस आप जो कंट्रोल रूम की स्थापना की है उसकी? जी यहाँ पर वैसे सभी तरह की शिकायतों का निवारण किया जाता है। आम जन के पास में सी विजिल ऐप है जो मोबाइल में निर्धारित है, तो उसमें क्या है कि आम जन सी विजिल ऐप के माध्यम से जो भी आपकी शिकायत, जैसे पोस्टर बैनर का है तो पोस्टर बैनर को वहाँ पर वो फोटो क्लिक करके हमारे डैशबोर्ड पर भेजता है, और हम एफएसटी टीम को जहाँ पर भी, जैसे भीम, राजसमंद, नादवारा और आपके कुंभलगढ़, चार एफएसटी टीम निर्धारित है, जहाँ पर भी ये वाली शिकायत। लोकसभा में मेड़ता डेगाना हुआ? नहीं, इसमें जो विधानसभा के हिसाब से उन्होंने निर्धारित कर रखा है। अच्छा। ठीक है, जैसे पूरा राजसमंद जिला कवर अप है अपना, ये जो सी विजिल है पूरा राजसमंद का है, तो अन्य जिलों में अदर अदर है, तो उसके हिसाब से। तो जैसे ही कुछ भी ग्रीवेंस आती है, शिकायत आती है, तो हम उसको एफएसटी टीम को देते हैं और एफएसटी टीम वहाँ पर तैनात रहती है, और जहाँ कहीं भी आसपास का एरिया होता है वहाँ पर वो चली जाती है और पोस्टर बैनर है तो उसको उतार करके डिस्पोज कर लेती है पूरी तरह। तो इस प्रकार से जो भी आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है उसका निवारण हो सकता है। लगभग किस तरह की प्रतिदिन कितनी शिकायतें आती है, क्या है? प्रतिदिन तो ऐसा नहीं है, पर कभी कभी आ जाती है तो 10-15 एकदम से आ जाती है, कभी आती है तो नहीं भी आती है ना, ऐसा नहीं है, पर आती ज़रूर है। जी मतलब क्या प्रक्रिया, क्या एक थोड़ा सा पब्लिक अवेयरनेस के लिए आप थोड़ी सी प्रक्रिया भी बताएं कि ये है क्या प्रक्रिया है उस पर लोगों को, लोग शिकायत कर सकें इस पर से? हाँ, आमजन के लिए सुविधा है कि गूगल पे पर जाइए और सी विजिल ऐप को आप डाउनलोड कर दीजिए। सी विजिल आपको डाउनलोड करने पर कुछ जो आपकी लोकल इन्फॉर्मेशन है, जैसे लोकेशन है और आपका नाम वगैरह है, मोबाइल नंबर है, उसको डाल करके आप जा कहीं पर भी आपका मोबाइल आपके पास में रहता है, जहाँ पर भी आपको लगे कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है वहाँ पर फोटो क्लिक करके हमारे को भेज दीजिए। वहाँ पर फॉरवर्डिंग का होता है ऑप्शन, फॉरवर्ड करके जैसे वो शिकायत आएगी 100 मिनट के भीतर आपकी शिकायत का निवारण हो जाएगा। अच्छा, फिक्स समय सीमा है? समय सीमा 100 मिनट निर्धारित है राज्य सरकार की ओर से। बिल्कुल, इसकी जैसे ऊपर मॉनिटरिंग कौन करता है? मॉनिटरिंग ये है कि जैसे हमारे, जैसे 100 मिनट में समाधान हुआ कि नहीं हुआ, वापस कोई क्वेरी आपके यहाँ से भी की जाती होगी या ऊपर से? ऊपर से तो ये, जैसे नीचे NIC रूम है 201 नंबर, तो वहाँ से भी हमारे को गाइडेंस मिलता है और हमारे जो अधिकारी है वो भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं, और अंत में जैसे कुछ भी ग्रीवेंस आती है तो उसका अंत में समाधान आपके RO साहब, जो कलेक्टर साहब है, उसके द्वारा किया जाता है डिस्पोज कि ये सही है अथवा गलत है। कोई कोई जैसे फेक भी डाल देता है ना, कोई कोई रियल भी होती है, तो सभी तरह का समाधान यहाँ पर होता है। हाँ, वो तो जो FST या नीचे से जो भी आपकी रिपोर्ट आएगी पता चल जाएगा फेक है या सही है कि नहीं, किस तरह की चीज़ें हैं। जी 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 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आमजन को सुविधा मिलती है और आचार संहिता का उल्लंघन। आपकी सेल में कितने कर्मचारी लगे हुए हैं, किस तरह की आपके भी वही रोटेशन 8-8 घंटे का? हाँ हाँ बिल्कुल, 8-8 घंटे का ही है हमारे, जैसे मॉर्निंग में 6 से 2, फिर अपराह्न में 2 से 10 और रात्रिकालीन 10 से 6, इस प्रकार से 3 शिफ्टों में सभी कर्मचारी लगे हुए हैं। जी ये देखा आपने, जिला कंट्रोल रूम की स्थिति देखी, मीडिया जो SMC सेल देखी, और अब सी विजिल ऐप के बारे में, अब अंतिम एक और कंट्रोल रूम है उनसे भी बारे में जानेंगे, किस तरह से आप ये जो चुनाव हैं लोकसभा चुनाव किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से हो, किस तरह से निर्विवाद तरीके से हो, आम जन की जो क्वेरी हैं उसका कैसे त्वरित समाधान हो, उन सभी क्वेरियों का त्वरित समाधान के लिए ये मुख्य कंट्रोल रूम स्थापित हैं। इसके अलावा सी विजिल कंट्रोल में स्थापित हैं, जिसके अलावा जो खबरें हैं मीडिया की हैं, TV पर हैं, अखबारों की खबरें हैं, विज्ञापन की अनुमति की बात हो तो उसकी मीडिया सेल भी अलग है, तो ये इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। किस हमारा प्रयास था कि ये जो कंट्रोल रूम
संचालित हो रहा है उस कंट्रोल रूम की हर एक गतिविधि भी आप तक पहुँचाएँ, आप उससे अपडेट रहें और किस तरह से आम जन जागरूक होकर जो निर्वाचन विभाग की तरफ से जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं उसकी सुविधाओं का फ़ायदा उठाएं। अगली जो सेल है हम उनसे जानते हैं, कौन सी सेल है ये? ये MCC सेल है। अच्छा, मुख्य रूप से जैसे MCC जो सेल हैं इनके बारे में जानते हैं कि इसकी क्या प्रक्रिया है, किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर होती है। क्या सर सुनना? वीरेंद्र कुमार सनाध्य सर। ये जो सेल के बारे में थोड़ी सी बेसिक। ये सर MCC सेल है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता। इसमें हमारे पास शिकायतें आती है पूरे ज़िले की और हम जांच करवाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट श्रीमान CO राजस्थान जयपुर को भेजते हैं। आपके पास शिकायतें कहाँ से आती है, फिर उसका समाधान की क्या प्रक्रिया? शिकायतें पूरे ज़िले की आती है हमारे पास। कैसे आती? कंट्रोल रूम से या और नीचे निर्वाचन शाखा से भी आती है। कुछ लोग जो शिकायत करता है वो डायरेक्ट CO राजस्थान जयपुर को भी शिकायत करते हैं, वहाँ से फिर हमारे पास आती है, हम उसकी जांच करवाते हैं और हमारे यहाँ से तथ्य। आपके जो जांच करवाने का सिस्टम क्या, कौन जांच करता है? जांच इसमें क्या है सर, जितने अपने राजसमंद ज़िले के जो चारों विधानसभा क्षेत्र हैं उनके जो RO है उनको सहायक रिटर्निंग अधिकारी बना रखा है, हम उनको लेटर भेजते हैं और फिर वो जाँच संबंधित से जैसे जिस विभाग की है उस विभाग के अधिकारी से वो जांच करवा के हमारे पास रिपोर्ट भेजते हैं, हम फिर यहाँ से तथ्यात्मक रिपोर्ट जयपुर भेजते हैं। बाकी कुछ कंट्रोल रूम या CVGIL पे भी इस तरह की कोई कंप्लेन आती हुई? हाँ, CVGIL पे भी आती है। CVGIL में तो क्या वो ऑनलाइन है सर। अच्छा, अच्छा। और वो 100 मिनट में उनको करनी होती है डिसोल्व। हमारे यहाँ पे जाँच हम वैसे तो आपके यहाँ किस तरह की कंप्लेंस है वो थोड़ा सा? ज़्यादातर शिकायतें हमारे पास जो आई है चाहे पिछले विधानसभा क्षेत्र की है या अभी की है सरकारी कर्मचारियों की ज़्यादा आती है। अच्छा, हाँ। उसमें क्या रहता है, कहीं वो चुनाव कार्य में या प्रचार में है या किसी पार्टी से सपोर्टर है तो ये ऐसी शिकायतें आती है कि हम जांच करवा करते हैं और कुछ शिकायतें सही भी होती है कुछ गलत भी होती है। अगर सही है तो फिर उनको ज़्यादातर उनके विभाग के मुख्यालय पर लगाया जाता है या और भी कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल, वो निर्वाचन विभाग का लुकआउट है। आपके लिए तथ्यात्मक रिपोर्ट आपको? हाँ, हम जांच करवा के मतलब शिकायत की जांच करवा करके तथ्यात्मक रिपोर्ट हम भेजते हैं। प्रभारी जो है CO टेम्पल बोर्ड नाथद्वारा के श्री महिपाल कुमार जी है और सह प्रभारी श्री शिव कुमार जी व्यास, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी राजसमंद को हमारे सह प्रभारी है। हम सब जो हमारी टीम लगी हुई है उन्हीं की देख रेख में हम काम करते हैं। आपके भी वही 24 घंटे? नहीं, जिस शिकायत जैसी होती है, कुछ सीरियस शिकायत होती है तो हम तुरंत जांच करवाते हैं और कुछ ये जैसे हम मान ज़्यादातर शिकायतें फर्जी होती है, तो ऐसी फर्जी शिकायतें या जिसमें कोई तथ्य नहीं है तो उसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम जांच करवाते हैं संबंधित अधिकारी और भी चुनाव कार्यों में लगे होते हैं इसलिए थोड़ा देर हो जाता है, फिर भी हम 24 घंटे के अंतर्गत तो करवा ही देते हैं जांच। आपके भी जो कंट्रोल रूम संचालन तो 24 घंटे हैं शिफ्ट वाइज? हाँ जी, सब हम 24 ही घंटे काम करते हैं और तुरंत शिकायतों का निस्तारण करते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने देखा किस तरह से ये है इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम जहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भंवरलाल के निर्देशन में यह कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। हमारा प्रयास था पूरे कंट्रोल रूम की जानकारी आप तक पहुँचे, आप अपडेट हो। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और किस तरह से जो निर्वाचन विभाग द्वारा जो सुविधाएँ उपलब्ध करवाई गई हैं, जिला नियंत्रण कक्ष हो, CVGIL ऐप हो या मीडिया सेल हो, इससे संबंधित ये जो जनोपयोगी जानकारी है इसका सदुपयोग करें, निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव करें और मतदान का उपयोग आप जरूर करिए। आप जुड़ी हुई जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।